नमस्कार दोस्तों, बीएलएस इंटरनेशनल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.887% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल बन रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक में यहाँ पे गिरावट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी गिरावट आएगा या तेजी आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें दोस्तों। नोटिस कर दो, बीएलएस इंटरनेशनल शेयर स्टॉक अप एग्जैक्टली के हायर है, कंडीशन बना के स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पर देखें तो स्टॉक अप एग्जैक्टली के ऑप्टन में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से प्रीवियस का 301.55 रुपये में एक रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट किया और एक 429 रुपये का था इसको ब्रेकआउट किया, देन स्टॉक यहाँ पर हाई लेगा 477 रुपये में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉक बार बार अपना ट्रेल लाइन को सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ रहा है, मैक्सिमम संभावना है कि स्टॉक इसी को सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर बढ़ सकता है। थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाया और यहाँ पर देखिए तो स्टॉक अप एग्जैक्टली के ऑप्टर्न में कंटिन्यू कर रहा था जिसको ब्रेकडाउन करके स्टॉक नीचे आ गया। अब इसके सामने जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो 360 रुपये का और एक अपना ट्रेल लाइन राइट, और एक साथ साथ देखेंगे तो और एक सपोर्ट लेवल आपको 326 रुपये 30 पैसे में भी दिखाई दे रहा है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर था जिसको स्टॉक ब्रेकडाउन करके नीचे आया, तो मैक्सिमम संभावना है कि स्टॉक इसी को सपोर्ट लेकर इस तरीके से मूवमेंट आपको दिखा सकता है। दोस्तों सो अभी तक कोई भी ऊपर का साइड में मूवमेंट बना नहीं है, स्टॉक धीरे धीरे कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन यहाँ पे जितने सारे लेवल्स हमने डिस्कस किया इनको फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। इस वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।